हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कहता है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी। जी हां, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, m टाइम्स ही है, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू द n टाइम्स ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब m टाइम्स mth टर्म का करूंगा, n टाइम्स nth टर्म का करूंगा, तो ये दोनों टर्म जो है ये वो आपस में इक्वल आएगी, ऐसा क्वेश्चन हमारे को कह रहा है। और हमारे को टू प्रूव जो करना है वो करना है कि m plus n टर्म ऑफ एन एपी जो है वो क्या है, जीरो। m plus n टर्म जो है जीरो। तो देखिए अब कैसे करेंगे, m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी। m टाइम्स ऑफ nth टर्म का मतलब मैं जानता हूं m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी, यही हुआ इसका मतलब कि nth टर्म को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं। ये जो है ये इक्वल है किसके, n टाइम्स द nth टर्म के। तो n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी के आपस में ये क्या है, इक्वल। तो ये हो जाएगा m इनटू a की जो वैल्यू हो जाएगी mn की, a प्लस m माइनस 1 इनटू b, ये mn टर्म हो जाएगी इज इक्वल्स टू n। nth टर्म क्या है, nth टर्म में जानता हूं जो होती है वो होती है a plus n minus 1 into b, ये मेरी क्या हो जाती है, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ये इसको हम अब सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मा m a मा प्लस ये हो जाएगा m b into m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर b, माइनस का d तो माइनस का m b is equals to na plus ka n square b or minus ka n b। तो आप देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हम जो a वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, d वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n into a, तो m a minus का n a plus का m square d, ऐसे की ऐसे है ये जगह चलाएंगे तो minus का n square d, ये minus का m d ऐसे की ऐसे है और इधर लाएंगे तो ये जगह plus का n d, उधर मैंने देखा क्या रह गया zero, उधर भी सारे terms इधर लिया है अपन, तो ये सारे के सारे terms हिंदुस्तान में आके पाकिस्तान में क्या छोड़ दिए हमने, zero। अगर हम इन दोनों में कॉमन ले ले a तो ये बचा है m माइनस n, वाह। अगर हम इसमें से कॉमन ले ले b तो ये बच रहा है m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, वाह। और इसमें से अगर हम कॉमन ले ले माइनस का d तो ये बच रहा है वापस से m माइनस n, इट्स इक्वल्स टू 0। अब आप बोलेंगे सर आपने यहां पे माइनस का d कॉमन क्यों लिया, सो एक बहुत ही बढ़िया सवाल आंसर है कि यहां पे अपने को दिख रहा है -m - n है, यहां पे भी अगर मैं इसकी आइडेंटिटी बोल दूंगा तो मेरे पास m - n आएगा, तो यहां पे ही n - n क्यों, इस वाले d के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों, तो इसलिए हम एक्चुअली में पूरा m - n कॉमन लेने के लिए कुछ ऐसा करते हैं। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप पे खोल लेते हैं आइडेंटिटी को, तो इसकी आइडेंटिटी को अगर हम खोलेंगे तो d into ये तो रह जाएगा m minus n into m plus n और ये minus का d into m minus n ऐसे कैसे, इट इक्वल्स टू 0 ऐसे कैसे। अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ये वाली और ये वाली, तीनों ही टर्म्स में m minus n कॉमन आ रहा है, अगर तीनों ही टर्म्स में m minus n कॉमन आ जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा a, इसमें बचेगा प्लस का m plus n into d और यहां पे बचेगा सिर्फ माइनस का d इज इक्वल्स टू 0। अब a m माइनस n जो है इसमें माइनस n को अगर मैं उस साइड आरएचएस में भेज दूं डिनोमिनेटर में तो मैं जानता हूं 0 अपॉन समथिंग तो 0 होता है, तो ये उधर जाके नीचे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस, इन दोनों में से अगर मैं d कॉमन ले लूं तो ये बचेगा m plus n minus 1 into d इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे इस वाली इक्वेशन को तो ये किसका फॉर्मूला है, k
क्या ये m plus n nth टर्म का फॉर्मूला है? अगर मैं m plus n टर्म को खोलूंगा, अगर m plus n टर्म को खोलूंगा तो क्या आएगा, a plus m plus n minus 1 into d। तो मैं देख रहा हूँ यही तो मेरा आ रहा है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को mth टर्म लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, m plus n टर्म में इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ। तो ये m plus n टर्म और r is equal to 0 ऐसे कैसे? तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक ही इक्वेशन से m plus n टर्म को क्या प्रूव कर दिया, 0। यही मेरे को हेंस प्रूव करना था। कोई डाउट हो तो प्लीज डू लेट अस नो, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज इसके कॉन्सेप्ट्स थॉरली रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू।